नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, आरती पोड़वाल जी लिखते हैं, फीलिंग पर इफेक्ट करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। आरती जी, मैं बार बार अनेक वीडियो में बताता रहा हूँ कि जो ये दवाई है कैनाल्स के जरिए आपके दांतों को पोषण देगी। अब आपने फीलिंग ही तो कराई है, कैनाल्स नहीं निकलवाई। आपका संबंध मतलब आपके दांत का संबंध अभी तक आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप ये दवाई खाएंगे तो कैनाल्स के जरिए आपके दांतों को वो पोषण पहुंच जाएगा और नई एनामल की परत का निर्माण होना अभी भी हो रहा है। ये मत सोचो कि आपके शरीर के अंदर एनामल की परत नहीं बन रही, बन रही है, पर बहुत धीमे, बहुत ही धीमे, जिसके कारण जो दांतों की जो कैविटी है ना वो जीत जाती है। मतलब उसकी स्पीड, गलने की स्पीड ज़्यादा है और बनने की स्पीड कम है। इसके कारण कैविटी दिनों दिन गहरी तो होती जाती है, वो भरती हुई नहीं दिखती। पर टाइप गुली से जब आएगा नीचे से कैनाल्स के जरिए आपके दांतों को पोषण मिलेगा और आपके एनामल की परत का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हज़ार गुणा तक बढ़ जाएगी, जिसके कारण दांतों का ऊपरी सिरा तो भाई जैसे कि दांत इस्तेमाल करते हैं घिसता रहता है। कैविटी आपकी जो है, अगर भाई नीचे से एनामल की परत धीमे बनेगी तो कैविटी आपको दिनों दिन गहरी होती दिखेगी, पर जब एनामल की परत तेजी से बनेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कैविटी मेरी भरती जा रही है, क्योंकि ऊपर से घिसता जा रहा है, नीचे से नई परत का निर्माण हो रहा है। कैविटी कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये फीलिंग पर इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, आपको बिल्कुल श्योरली फायदा होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंग सारे आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब उनका संबंध, जैसे कि आरसीटी करा लेते हैं तो संबंध टूट जाता है कि कैनाल्स निकल गए जिनके जरिए संबंध बनता है, आपके उसमें तो कैनाल्स हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके दांत बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आरती पोड़वाल जी, आशा करते हैं कि आपको ये जानकर प्रसन्नता हुई होगी, जरूर हुई होगी कि आपके दांत ठीक हो सकते हैं दोबारा। तो आरती पोड़वाल जी, आशा करते हैं कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपका इस पे मतलब कुछ कमेंट है तो हमें ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।